पूरा सड़ा दिया इस आदमी ने। अब तो हद हो गई बिल्कुल। इस आदमी ने सोना हराम कर दिया। मैं क्या बात है, मैं सोने भी नहीं देती, मैं पूरी रजाई की निवास निकाल दी। और तुमने जो इतना पाद मार मार के मुझे सड़ा के रख दिया और पूरे घर में बदबू कर रखी है, तुम क्या सोने दोगे मुझको? नींद आ रही है ऐसे में? बाहर उसाना, जब तुझे पता है मैं जैसा जिसका खान पान वैसे उसका खुशबूदार पाद। सुनो शेख जी, सुबह पहले उठ के तुम दवाई लेके आना, फिर कोई काम करना। मैं देख रुक जाना, अब तो तू सो जा और मुझे भी सोने दे, प्यार से सो जा और सवेरी दवाई लेऊंगा डॉक्टर से। और देखो डॉक्टर से कहना कि ऐसी दवाई दे दे कि कभी पाद आए ही ना। मैं तो बहुत परेशान हो गई तुमसे। ठीक है मैं अब तो सो जा, सुबह को लेऊंगा दवाई। सो जा, हैं? ऐसा कर, तू लाइट बंद कर, अंधेरे में सोएंगे। तुम करके आओ बंद लाइट, मैं नहीं जा रही। शानी बन रही साली। तुम ही जाओ, मैं नहीं जा रही। एक बार सुन ले, अगर तू चली जाएगी लाइट बंद करने तो दोबारा पाद ना करेंगी, वरना साली पूरी रात पा दूंगा। या अल्लाह, सही कह रहे हो ना तुम, नहीं पा दोगे ना। ठीक है तो मैं बंद करती हूँ। ये आदमी किसी की नहीं चलने देता, हमेशा अपनी बात ऊपर रखता है। अगर इसने अब पाद दिया ना, फिर देखना। ये क्या करा तुमने, तोड़ दिया ना अपना वादा। नीचे को बैठ, नीचे को। क्या कह रही है, क्या कह रही है? क्या विश्वास करूँ तुम्हारा, तोड़ दिया ना अपना वादा। अरे ना, निकल गया निकल गया निकल गया। अब मत पाद देना शेख जी, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। कट रही है भाई, इतनी खुशबूदार पाद तो किस्मत वालों को मिले। आम की फसल तो अब अच्छी सी रही है, हैं? अब तो खत्म से होली होंगे ना। हम रुक रहे हैं, कुछ कुछ रुक रहे हैं। तो बड़ा बदतमीज है, तो ऐसे मार रहे हैं। छोटे बड़े शर्म तो देख ले भाई। मैं छोटे बड़े क्या बात है भाई, भाई इसमें शर्म की क्या बात है भाई, भाई पाद तो सब मारते हैं। तो ऐसे मार रहे हैं। और कैसे मार रहे हैं भाई, भाई कैसे मार रहे हैं? भाई साला जब तुम्हारी गैस पास नहीं होती तो मारोगे कैसे? अरे तुझे प्यासे समझ में आ रही, तुझे समझ में आती क्या? मैं एक बात बता ली भाई जान, मैं पाद ना कोई गुनाह है, मैंने गुनाह कर दिया कुछ? जा रहा है कुछ करवा जाएगा। अबे तब पाद को किसने देखा? तुम देख सकते हो पाद, समझो? तू हमें सिखाएगा? मैं इसमें समझाने की क्या बात है, हैं? मैं दुनिया पाद रही है, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? साले मुंह बना रहे उल्टी सीधी निकल गए यहाँ। तू तो बड़ा बदतमीज है यार। तमीज होगा तू और तेरा सारा परिवार। साला बदतमीज बोलेगा, साले की शिकल बिगाड़ दूंगा। बहुत बदतमीज है मारे सालों को। मैं बदतमीज की बात कर रहा हूं, बस साले तू मैं बदतमीज। तो बहुत बदतमीज है मारे सालों को। मैं बदतमीज की बात कर रहा हूं, मैं साले तू मारे इतना मारे मारे सालों को गिर के मारे मारे का मुझे मारे का साला। कैमरामैन भी मारा लेके साला तुझे मार गया। तू कैमरा सुनने वालों को दे दे रहा था तू, और तुझे मारने लग के साला मार रहा हूं मार रहा। अब देखिए आपको काफी आराम है, ये दवाई लिख रहा हूँ, ये दवाई और ले लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मर गया डॉक्टर साहब, मर गया। अरे क्या हुआ भाई जान, और हमें क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें नहीं मार रहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, गांव वालों ने बहुत मारा डॉक्टर साहब, मुझे बहुत खतरनाक बीमारी डॉक्टर साहब। क्या परेशानी है, साफ साफ बताओ डॉक्टर साहब। अबे क्या सारा क्लिनिक सड़ा दिया, अबे कितनी बुरी बदबू है आप, अबे क्या बिल्कुल बदतमीजी हो, ये तुम्हें पेशेंट नजर नहीं आ रहे क्या? ओफो, बदतमीजी की भी हद होती है यार, ये क्या पागलपन है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? यहाँ ये पेशेंट नहीं बैठे, पहले तुम बोलो क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब बीमारी क्या? अरे अकल नहीं है, पागल हो क्या, ऐसे ही पाद रहे हो? डॉक्टर साहब एक बात बतलाओ, तुम कैसे डॉक्टर हो?
मैं जब तुम्हें यही नहीं पता बीमारी है क्या, तो मैं डॉक्टरी छोड़ दो। अरे भाई वही तो पूछ रहा हूँ, नहीं बता रहा तो अपने घर निकल चल। डॉक्टर साहब मेरे पास ने की बीमारी है, कहीं भी और कभी भी शुरू हो जाती है। बोलो कब से है तुम्हें बीमारी? डॉक्टर साहब बीमारी तो बहुत दिन से है, दिक्कत की तो मुझे भी पता थी लेकिन अब परेशानी ज्यादा हो रही। रुखसाना को भी दिक्कत होती है और आज तो गाँव वालों को भी दिक्कत हुई और डॉक्टर साहब मुझे मारा भी, ये दिक्कत कैसे खत्म होगी? डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो। अबे यार तुम तो वाकई में पागल हो, ये बैठे हुए मरीज क्या कहेंगे? मैं क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, ये कहेंगे साले ये तो तुम्हारे चौधरी का साले है, ये नहीं बात है, ये भी तो दवाई लेना है। डॉक्टर साहब ये तो बहुत बदतमीज आदमी है, ये हमें बदतमीज कर रहे हैं, दवाई तो लेनी है, हैं बीमारी देख नहीं रही। अच्छा तो मेरे मरीजों को तू पागल बताएगा? मेरे मरीजों को उल्टा बोलेगा? चले डॉक्टर दवाई लेनी थी, निकल दवाई लेनी थी, निकल दवाई लेनी थी। और इनका पूरा दिमाग सड़ा दिया, चल निकल यहाँ से। दवाई नहीं देनी तो बंद कर दे दुकान को, तेरी डॉक्टरी सारी काट दूंगा। चला जा नहीं तो तेरा ढंग से कर दूंगा इलाज आज। देखा इसकी बदतमीजी, डॉक्टर को शोभा नहीं देता पर ऐसा करने पे मजबूर कर दिया इसने। कल वाली दवाई सारी खा ली थी? हाँ दवाई खा ली, कुछ और दवाई लिख देता हूँ, ये ले लेना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बागों में बहार है, पाद मेरा भार है, पाद की मिली ना दवाई रे, मेरी कैसी मुसीबत आई रे, मुझे डॉक्टर ने भी ना दई दवाई रे, मेरी उसने भी। अरे 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 मुल्ला जी आई रे, ए ओ बाबा ओ बाबा सड दिया इंशाल्लाह। अरे शेख चिल्ली के बच्चे के खाक रहे हैं, इतना बुरा पाजा। भाई जान मुझे माफ कर दो, अबे मैं इसी की तो दवाई लेने गया था भाई जान, डॉक्टर ने भी मुझे वहाँ मारा और मुझे दवाई नहीं थी, पता को ईद के दिन मरेगा डॉक्टर का बच्चा। अबे मैं तो कहूँ डॉक्टर ईद के दिन मर जा, ईद के दिन, हाँ ईद के दिन मर जा। मुझे माफ कर दो भाई जान, मुझे दवाई लेनी थी, इसकी दवाई नहीं मिल रही। मैं नाक बंद क्यों कर रही है, नाक खोलो, मैं खोलो नाक। फिर बंद कर ली ना, नाक खोलो नाक खोलो, खोलो कौन? भाईजान सुनो सही, मैं सुनो, मैं थोड़ी सी देर झेल लो, मैं थोड़ी देर झेल लो, मैं तो बहुत ही झेल रहा हूँ भाईजान। मैं डॉक्टर के गया था, डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, तो मुझे कोई दवाई हो तो दवाई बतला दो भाईजान। अरे शेख के बच्चे पहले तू खड़ा हो, दवाई तो हम बताओगे। चलो ठीक है मुझे उठा दो। और चल खड़ा हो, उठा दो, बता मैं तुझे दवाई। ओ तेरी कैसे कैसे नाक भीज रहे हो, खड़ा करना भी नहीं आ रहा। मैं तो पिछवाड़ा भी कर के ठीक है, देखिए देखिए सारे साइकिल उठाने में लग रहे हैं। मैं भाई जान देखना देखना, मैं सनातनी गोबर में मुझे बीमारी है, मेरी बीमारी का मजाक ना करो भाई जान, बीमारी का मजाक ना करो, मुझे कोई दवाई बतला दो, नाक तो खोल लो। एक काम करिए शेख चिल्ली, हाँ तू घरों जा और घरों जाके गुड़ का और बादाम का हलवा बनवा के खाइए। गुड़ का बादाम का हलवा बना के? हाँ। फिर तो नहीं आएगा मुझे, बिल्कुल नहीं आने का। अबे तेरी मोहर के छोड़ेगा बिल्कुल शेख के बच्चे। अरे मैं बाहर के दब लेगा के निकल लेते हैं। दवाई से हो जाएगा सही? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बादाम वाला हलवा से। हाँ। ठीक है ठीक है, अब नहीं पा दूंगा भाई साहब, हाथ हटा लो, हाथ हटा लो, अब तो दवाई बता दी तुमने। चल भाई चल, जुनेद खड़ा हो ले। तारा ने साइकिल मार के मेरी देह तोड़ दी, जरा सा पात दिया तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं साले, साले समझ नहीं रहे, गाली दे रहे, गाली दे रहे, पर जब बीमारी है इस हालत
मैं डॉक्टर से अच्छे से तुम निकले, मैं मेरा पाद भी सुनूंगा और मुझे दवाई बतला दी। ठीक बताइए दवाई, रुखसाना तो बनवाऊंगा, रुखसाना तो बनवाऊंगा जाकर बादामी हलवा। हाँ बादामी हलवा रुखसाना तो बनवाऊंगा जाकर। डॉक्टर ऐसी तैसी बढ़ जाओ, डॉक्टर साले ने मुझे मारा और दवाई नहीं दी। मैं बिल्कुल ही बदतमीजी है, बदतमीज है डॉक्टर, बिल्कुल बदतमीज है डॉक्टर। अब क्या हो गया? बदतमीज है डॉक्टर। हैं? मैं रुखसाना, अब पता नहीं कौन सी मुसीबत ले आए मेरी जान को। क्या हुआ, तुम तो दवाई लेने गए थे। मैं रुखसाना दवाई लेने गया था, रुखसाना बीमारी बहुत खतरनाक है, तुझे पता। डॉक्टर ने दवाई नहीं दी साले ने, मुझे डॉक्टर ने मारा और गांव वालों ने मारा रुखसाना, मुझे बहुत मारा साल होने। फिर दवाई लाए नहीं क्या? अबे लाया क्या रुखसाना, लाया। ये गोले से ही फोड़ने आते हैं, बताओ क्या हुआ। मैं बताऊं क्या रुखसाना, मुझे सारे दो रास्ते में मिले, दोनों ने मुझे साइकिल के नीचे दबा दिया है। और रुखसाना जैसे मेरा पाद निकला नहीं, दोनों डर गए, कहने लगे बीमारी तो बहुत खतरनाक है शेख जी, इसकी दवाई तो हम बता देंगे, हम इलाज करेंगे। और वो क्या बतला रही है? आप रुखसाना क्या बतलाऊं? उन दोनों ने कहा तुम शेख जी गुड़ का और बादाम का हलवा पका के खाना, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये क्या दवाई बतलाई है, हलवा और वो भी गुड़ और बादाम? हाँ हाँ रुखसाना, रुखसाना पका दे हलवा, पका दे। अच्छा अच्छा ठीक है, पका दूंगी। मगर शेख जी कढ़ाई तो हमारे है ही नहीं। ओवे, कढ़ाई नहीं है। एक काम करो, जमीला भाभी के यहाँ से जाके कढ़ाई ले आओ। अरे है जमीला भाभी कैसे कढ़ाई ले आओ, बाओ कढ़ाई दे देगी मुझे। जाओगे तभी तो देगी। बार उसने उधर तेरे तो वैसी फुकती है, अगर उसने मना कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं गांव का मौजूद आदमी हूँ। सुनो शेख जी, जमीला भाभी लालची बहुत है। हाँ सही कह रही रुखसाना, मगर वो लालच में आ जाएंगी। रुखसाना वो कैसे? वो ऐसे शेख जी, तुम उनसे कहना कढ़ाई दे दो और उनसे कहना एक प्लेट हलवा दे जाएंगे और वो भी फूल भर के। फिर क्या, वो तुम्हें कढ़ाई दे देंगी और एक प्लेट हलवा पहुंचा देंगे उनके घर और वो लालच में आ जाएंगी। आए, आए, एक प्लेट हलवा दे देगी, साली का लपाटे मारूंगा, मैं हराम का एक प्लेट हलवा। तुम लाओ तो सही कढ़ाई, मैं थोड़ा ज्यादा सा पका दूंगी, दी आना उनके घर पे। ठीक है रुखसाना, मैं जाता हूँ। ऐसे कर तो तैयारी से कर, थोड़ा सा बादाम वादाम सा गुड़ उड़ सा लपेट और बस तैयारी से कर। ठीक है मैं जाता हूँ, अगर दे देगी तो। यूं गया और यूं आया। जाओ। आए हाय शेख जी क्या बदतमीजी है ये। मैं यही तो परेशानी है, बदतमीजी बता रही है साली, बदतमीजी बता रही है। ठीक है मैं जाता हूँ, लाता हूँ कढ़ाई। और शेख जी सुनो, भौंक क्या भौंक रही है, एक प्लेट हलवे का लालच दे ही देना उन्हें। हाँ हाँ दे दूंगा, आराम से बैठी रहे, पूरे गांव में मनाती करवा दो, एक प्लेट हलवे का लालच दे दियो। ओफो ये आदमी नहीं सुधरेगा कभी। देखता हूँ रुखसाना का फार्मूला फिट करके, अगर दे देगी कढ़ाई तो, पर हलवा तो मुझे देना नहीं, चाल मैं फांसता हूँ। हाँ एक प्लेट हलवा मेरी बीमारी को ठीक रहेगा, इसे नहीं देने वाला। भाई बाल भाई ना जमीला भाभी। अरे कौन है, आ रही हूँ। वैसे पूछना सब, कौन है कौन आ रही हूँ, दरवाजा नहीं खोल सकती। खोल तो रही हूँ। अरे शेख जी कैसा आना हुआ, अगर कोई काम था तो रुखसाना को भेज देते। यही पूछेगी सारी बीमारी, अंदर बुला सकती, अंदर ले चल। आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, बुला अंदर, बताएंगे सारी बीमारी, तसल्ली बताएंगे, दरवाजे में पूछ रही सारी बीमारी। शेख जी आप नाराज मत हो, मैं तो यूँ कह रही थी, आप क्यों परेशान हुए, रुखसाना को भेज देते। क्यों मैं आ गया था, मैंने कौन सा गलत कर दिया, रुखसाना को भेज देते। मेरा मतलब वो नहीं था शेख जी, बोलो बोलो क्या बात है। भाभी बता रहे क्या, हमारी तुम्हारी पड़ोसी बात है, एक ही बात है, तुम हमारे हम तुम्हारे, तुम गैर थोड़ी हो। मेरा कहने का मतलब है हम तुम्हारे काम आते, तुम्हारे काम आते, आप गैर नहीं हो। हाँ जी हाँ ये तो है। अब भाभी तुम तो जा नहीं हो, आदमी जहाँ कहीं जाता भरोसे से जाता, उसमें अपना पद चमकता है, इससे ये जाहिर होता कि आपकी कितनी अपना आदमी जी रहा। वो तो ठीक कह रहे हो शेख जी, आने वाला समय सबका एक साथ होता नहीं है, समय समय की बात है, और हर आदमी कुआं खोद के पानी तो पीता नहीं। बिल्कुल सही। और रही भाभी लेने देने की बात, हर आदमी काम एक दूसरे काम आता है, अगर आपके पास
पास फावड़ा है, तुम्हारे पास सुई है, फावड़ा अपना काम करता और सुई अपना काम करती है। ये तो सही है मगर बीच मत बोलो, मैं मेरा मतलब फावड़ा अपने काम करता है, सुई अपने काम करती है, रही रिश्ते में आप हमारी भाभी लगती हो, पूरा गांव आपकी कदर करता है और हम भी आपकी कदर करते हैं। ये तो सही बात है शेख जी, मगर आपका क्यों आना हुआ ये तो आपने बताया ही नहीं। आने की बात है भाभी, अपना अपनापन है, तुम भी आओ हम भी आओ, आने की तो कोई मतलब ही नहीं है, खूब आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, अपनापन है। अरे शेख जी कुछ बोलोगे भी या यूं ही? हाँ हाँ ये तो बात, बताओ ना तो तुम बिना मतलब के आओगी और ना जाओगी, ना होगी ना जाओगी ना होगी। ये तो आप ठीक कह रहे हो शेख जी, तुम आए किस लिए, काम तो बताया ही नहीं। आना क्या ये पूछा, हम आए क्या, हमें हलवा पकाना है वो भी बादाम गुड़ का, पर रुखसाना ने भेजा, एक बार भाई ने बताई मुझे दवाई। शेख जी मुझे और भी काम है, जल्दी बताओ आपको क्या काम है। मुझे भाभी अपनी कढ़ाई दे दो। कढ़ाई चाहिए तुम्हें, फिर इतनी बात बनाने की क्या जरूरत थी। गलती होगी गलती, एक बार भाई ने बताया मुझे, वरना मैं आता ही क्यों। शेख जी हमारे कढ़ाई है नहीं, और पता नहीं कहाँ रखी है, किसके जा रही है, मेरा ध्यान नहीं है कुछ। कढ़ाई नहीं है, बारुक साना मुझे गलत भेज दिया क्या। हाँ जी हाँ जी। ओए ये तो साली नाट गई, रुखसाना ने पहले ढंग का लालच ही कही, इसे लालच देता हूँ ये सही रहेगा बेटा। क्या सोच रहे हो शेख जी, अगर होती तो मैं मना ही ना करती। कुछ ना कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था, रुखसाना बोल रही थी कि बादाम और गुड़ का हलवा हम बनाएंगे, अगर भाभी कढ़ाई दे दें तो एक प्लेट हलवा भाभी को दे देना, मैं तो ये सोच रहा था। अगर मैंने कढ़ाई दे दी तो शेख जी सोचेंगे अब कढ़ाई कहाँ से आ गई, लेकिन दे ही देती हूँ, एक प्लेट हलवा हमें भी तो मिल जाएगा। कुछ नहीं शेख जी, हलवाई पकाओगे ना, पक्का है ना। पक्का बिल्कुल पक्का, बादाम का और गुड़ का हलवा। शेख जी कढ़ाई तो हमारे है मगर ढूंढनी पड़ेगी। रुको रुको मैं कढ़ाई अभी ढूंढ के लाती हूँ। पहाड़े बढ़ा रही है मुझे, कढ़ाई नहीं है, अरे लालच बुरी बना है, एक शिले का पावर बना रही है। मुझे इतना टाइम नहीं है। लो शेख, और शेख जी एक बात सुनो, एक प्लेट हलवा जरूर दे के जाना। हाँ जरूर दे के जाना, ले मार है। एक बात सुनो मिला भाभी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं अपनी कढ़ाई रखा। अरे नहीं नहीं शेख जी मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक कर रही, ठीक है ठीक है, निकल ले निकल ले। मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक कर रही मजाक कर रही, शेख चिल्ली से मजाक कर रही है जमीला भाभी। लगी देखे कढ़ाई सर में, भाईजान क्या हुआ कैसे क्या होता, क्या तूने ये कढ़ाई मेरे सिर में मार दी। शेख भाई कढ़ाई क्या, आज पकौड़ी बना रहे हो क्या। मैं तुमने मुजाम लगाया, हम कुछ भी पकावे तुम्हें कहते शर्म नहीं आती। शर्म की क्या बात है, और ये कढ़ाई, ये कढ़ाई भी तो हमारी है, और तुम्हें जमीला ने दे कैसे दी। मैं तो अपनी घरवाली से पूछ जाके, इसने कढ़ाई दी है इतनी भोली तक है ना, ऐसी दे देगी मतलब सारी रिश्वत ले रिश्वत है, निकल जानी सारे का सिर में ही मार दो, सारे के पकौड़े कहते सारे पकौड़े से खिला दे, पकौड़ी बना के क्या हराम का माल है, बना दो पकौड़े से बिना तेल के। अच्छा तो हम देखते हैं तो हमारी कढ़ाई में कैसे पकौड़े बनाता है, अभी मंगवाते हैं हम कढ़ाई वापिस। जा 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 मंगा लिए, मंगा लिए सारे का कढ़ाई मारूंगा, नहीं निकल जा, नहीं निकल। हमारी कढ़ाई और हमें ही धोस दे रहा, अभी देखता हूँ कैसे बनाता है इसको पकौड़े, अभी मंगवाता हूँ जमीला से। सारे जब तक दवाई बता रहे हलवा पका खाइयो, अब बोल रहे हो पकौड़ी बनाएंगे क्या, साले बता के जा निकल जा।
बड़ी बीमारी से ग्रस्त चल रहे। आज तो हलवा खाऊंगी, बादामी हलवा खाऊंगी, शेख चिल्ली हलवा लाएगा, आज मैं हलवा खाऊंगी, पूरी प्लेट खाऊंगी, आज मैं हलवा खाऊंगी, उन्हें बिल्कुल न बचाऊंगी, आज सारा खा जाऊंगी, आज मैं हलवा खाऊंगी, बादामी हलवा खाऊंगी, मुंह भर भर के खाऊंगी, आज मैं हलवा खाऊंगी। हलवा हलवा खाएगी हैं? हलवा खाएगी? अरे ले हलवा, खा ले। क्यों मार रहे हो? तूने कढ़ाई दे कर दी, मुझे क्यों कर दी कढ़ाई? हलवा खाएगी? ले खा लो, खा लो। बद्दू को कढ़ाई दे दी मेरे पूछे बगैर, तूने कढ़ाई दे कर दी। ले 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 खा लो, हलवा खा लो, खा बद्दू का घर का हलवा, खा बर्तनों का नाश करवाएगी, कढ़ाई का नाश करवाएगी, हलवा खाएगी? हलवा हलवा खाएगी? हलवा खाना खाएगी? मेरी बदनामी करवाएगी, वो दो पैसे का आदमी मेरे सिर में कढ़ाई मार गया। बाप बना रहा पद्दू, मजा सड़ा हो गया। अरे तो तू पहले बताती। क्या खाक बताती? तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया बताने का, पहले लपेट दिया। अरे ये काम तो तूने अच्छा किया, मैं तो ये सोच ही रहा था कि जमीला ऐसे कढ़ाई देने वाली तो है नहीं। मैंने तो बोल दिया कि बादाम के हलवे की बड़ी प्लेट लाना भर के। ठीक है ठीक है, अगर मैं भी घर पे ना हूँ मेरे लिए भी बचा लियो, कभी सारे को तू ही खा जा। और क्या, मैं पड़ोसियों को खिलाऊंगी? जैसा ही शेख चिल्ली लाएगा प्लेट भर के, फ्रिज में रख दूंगी, फिर दोनों खाएंगे कई दिन तक। ठीक है चल, मेरी गलती होगी, अभी कब चाय तो बना ला। अजी मैं सोच रही थी शेख चिल्ली हलवा लाएगा तो उसी के साथ पी लेना चाय। ये तो अच्छी बात कही तूने, और तुमने मुझे मारा बहुत। चल कोई बात नहीं, गलती हो गई। यहाँ पे भी लगा मुझे बहुत तेज। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लो सॉरी। कोई बात नहीं, अब आगे ऐसा नहीं होगा। मुझे पता नहीं था ना वो पद्दू हलवा लेकर आएगा। साले कढ़ाई मार देता, साले बदतमीज, साले 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 इसी में कढ़ाई मार देता, साले मैं साले हराम का एक प्लेट हलवा, हराम का हलवा, साले बदतमीज। क्या हुआ, घर में जब भी आते हो रोते और चिल्लाते हुए आते हो, तुम्हारी अम्मी ने कुछ ज्ञान दिया या न दिया? तभी तो, तुम्हारी अम्मी ने कुछ सिखाया होता जब भी तो चीखना और चिल्लाना ही आता है। तो अब हम रोना चिल्लाना कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, हलवा पकवाना है या नहीं पकवाना? अकड़ रही है, अकड़ रही है सारी, अकड़ रही है। हलवा बताऊंगा तो बाद में बनना, सारी तरह हलवा बना दूंगा, पहले पहले तुझे सुलेट लेता हूँ। तो हम पागल है? हाँ हो पागल। तू हलवा नहीं पका रहे? हाँ ना पकाऊं। खुराक मांग रही है? हाँ मांग रही हूँ। वहाँ लड़ाएगी? हाँ लड़ाऊंगी। मानेगी नहीं तो? नहीं मानू, नहीं मानू, नहीं मानू, नहीं माने साली की शिकल जान से मार दूँगा, जान से मार साली। शेख प्यार देखा भी जाहिल कमार आदमी। अल्लाह अल्लाह मैं बचा ले, अल्लाह जो नहीं अल्लाह शेख जी यही आदमी लिखा था क्या मेरे नसीब में देने के लिए? जाहिल गवारी दे दिया बिल्कुल। कैसी शिक्षा दी है इसकी अम्मी ने इसे, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया पूरा। हलवा ही पका लूं अन्नी, फिर आके मारेगा पागल आदमी।
पागल सा। चलो देखता हूँ गुस्सा ठंडा हुआ ना, हुआ हलवा पका दिया होगा। ऐसा बदतमीज आदमी मैंने किसी का नहीं देखा, ये मेरे ही नसीब में लिखा था पागल सा कहीं का। पका लेती हूँ हलवा, खाएगा आज हलवा के। हलवा खाएंगे, बहाना चाहिए हलवा खाने के लिए। हलवा खाने से कहीं पाद बंद होते होंगे, पागल जाहिल गवार आदमी नहीं तो। हलवे से ही इसके पाद बंद होएंगे, जाहिल गवार आदमी जैसा खुद है ऐसी पागल यार दोस्त मिल जाते हैं गवार कहीं के। कौन पागल मिल गया, इन्हें हलवा बता गया और मेरी पिटाई करवा गया। पका देती हूँ, ठूस लेगा हलवा, जैसे खुद है वैसा ही हलवा बना के दूंगी। या अल्लाह, बस इस इंसान के पाद बंद कर दे। अब एक प्लेट उस जमीला के लिए भी बनाना पड़ेगा। मैं तो इतना ही बनाऊंगी, खाएंगे तो खा लेंगे वरना उनकी मर्जी। मैं दूंगी इन्हें बना के पूरे गांव के लिए हलवा। हलवा तो कम सा लग रहा है, एक काम करती हूँ, एक कटोरी रसगुल्ले रखे इसमें वो मिला देती हूँ, उन्हें बड़ा पता चलेगा। इस इंसान ने मेरा पूरा दिमाग सड़ा के रख दिया। हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि पाद की दवाई हलवा। हलवा ही हलवा हो रही थी, लो खूब खाओ हलवा लो। ओए, इतनी देर तक घूम गया, पता नहीं हलवा पकाया ना पकाया, मेरे पेट में वैसे दर्द हो रहा। और पाद वाले हो रहे थे, किसी के पास भी खड़ा नहीं होता डर यार। मैं प्यार से बोलूंगा, रुखसाना। हाँ शेख जी। हलवा पका नहीं पकाया तुमने? हाँ जी, हाँ हाँ पका लिया हलवा, लाती हूँ अभी। मैं तो प्यार से बोल रहे, हलवे के साथ साथ तूने मुंह बनाना शुरू कर दिया। शेख जी, मेरे से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। ना रुक जाना, मैं वादा गुस्सा इकबाल का था वो तेरे पे उतर गया। रुक जाना, गलती होगी। जैसा भी बना है ना चुपचाप खा लियो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। चल गलती होगी। मैं इकबाल को किसी साले को ऐसा मारूंगा याद रखेगा है? घर में लड़ाई करवा दी, मैं तू ही बतला। घर में लड़ाई करवाना अच्छी बात है क्या? मैं लड़ाई से कुछ मिलता है? तुम बताओ तुम्हें क्या मिले है? लोग तो तुम्हें पागल बताएंगे ही, तुम हो ही पागल। पागल बतला रही है? इधर आ जा। सुन मेरी बात, कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, हलवा खाएंगे, दोनों हलवा खाएंगे। शेख जी, तुम्हारी यही बात तो मुझसे टाली नहीं जाती है, लाती होगी। राजी होगी? जाओ हाथ पैर तो धोयाओ। हाथ फिर वही बात करेगी साली, मैं मतलब सैनिटाइज कर लिया। यूं पैर धोने के लिए पैरों से खाऊंगा हलवा, और खड़ी भाषण देते रहेगी, उठा के ला हलवा। हाँ हाँ ला रही हूँ। हाँ सही कह रही थी, मेरा बीमारी है मेरा, देख ले। मैं तो देख ही रही हूँ, दुनिया को दिखाओ खूब। मैं तू तो झेल ले कम से कम, दुनिया तो मुझे मार रही है। लो सीख दूंगा, बैठ जा। वे हलवा बढ़िया बनाया, पूरे बादाम घोल दिए थे, लाल हो गया लाल। हाँ खा ले। पता ना तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी, तू भी ना पादने की है। बेटी की जान, स्वाद इतना स्वाद बना दे रुकाना, कम पड़ गया देखे। और ला और तो लिया, चम्मच चढ़ा रही है। है? ये ले तू ही खा ले, तू खा ले खा। और लिया हलवा? और कहाँ से ले आऊँ हलवा, अब एक ही प्लेट रखा है, जाओ उसे जमीला भाभी के घर दे आओ। जमीला भाभी जा बाहर में ठाक ला, हम खाएंगे। ला रही हूँ जमीला भाभी के लिए। हाय हाय, कह रहे थे हलवे से पाद बंद हो जाएंगे, ये तो फिर पाद दिया। ओवे हलवा तो नहीं निकल गया कहीं, रुखसाना। वह लिया जल्दी, अभी तो बीमारी रह रही है, फिर कहा गया पाद, बैठ। वाह कैसा खा रही है बेसहूरी, सलवार सान ली। हाय थू थू कर रही है, मेरी बीमारी से चिढ़ रही है।
शेख जी, तुम्हारे पास भी आने का जी नहीं करता तुम्हारी ये बीमारी देख के। बता पगले, तो मेरी होकर चिढ़ रही है तो बता मुझे कौन प्यार करेगा साले, इसलिए मारते हैं मुझे, इसलिए मारते हैं मुझे। तुम्हें पता ही तुम्हारी कितनी बुरी बीमारी है। मैं कोरोना से तो बुरी नहीं है, कोरोना में तो रुखसाना छू भी नहीं सकते, तू छू तो रहा मेरी डार्लिंग मेरी हम। शेख जी, तुमने तो जमीला भाभी के हिस्से का भी खा लिया, अब वो हमें बुराई देंगी। मैं रुखसाना एक बात सुन ले, मैं बुराई भलाई मैं जानू, वो काम मेरा तो कढ़ाई लटका है। अच्छा अभी लाती हूँ। मेरी बीमारी से ठीक हो दरवाजा इकट्ठा से दे दूंगा उसे, मैं तो कढ़ाई लटका है। हलवा तो रुखसाना ने बहुत स्वाद बनाया, पर ये पता नहीं मुझे आराम लगेगा ना लगेगा। ये लो, लो। ठीक है लेट तो आराम कर, मैं कढ़ाई लेकर आ रहा हूं। जाओ निकल जाओ, जल्दी दे आओ। खिलाऊंगा हलवा खिलाऊंगा, याद रखेगी। और नु कह रही है प्लेट में हलवा, हमारा इस बीमारी सही नहीं हुई, ऐसा खिलाऊंगा याद रखेगी।